यसाया 16 बाब, सिला से बयाबान की राह दुख्तरे सयून के पहाड़ पर मुल्क के हाकम के पास बर्रे भेजो, क्योंकि अरनून के घाटों पर मुआब की बेटियां आवारा परिंदों और उनके परागंदा बच्चों की मानद होंगी। सलाह दो, इंसाफ करो, अपना साया दोपहर को रात की मानद बनाओ, जलावतनों को पनाह दो, फरारियों को हवाले ना करो, मेरे जलावतन तेरे साथ रहें, तू मुआब को गारतगरों से छुपा ले, क्योंकि सितमगर मौकूफ होंगे और गारतगरी तमाम हो जाएगी और सब जालम मुल्क से फना होंगे। यूं तख्ते रहमत से कायम होगा और एक शख्स रास्ती से दाऊद के खैमे में उस पर जुलूस फरमाकर अदल की पैरवी करेगा और रास्तबाजी पर मुस्तैद रहेगा। हमने मुआब के घमंड की बाबत सुना है कि वो बड़ा घमंडी है, उसका तकबर और घमंड और कहर भी सुना है, उसकी शेखी हेच है। सो मुआब वावेला करेगा, मुआब के लिए हर एक वावेला करेगा। कीर हरासत की किशमिश की टिक्कियों पर तुम सख्त तबाह हाली में मातम करोगे, क्योंकि हसबून के खेत सूख गए, कौमों के सरदारों ने सिम्मा की ताक की मेहरबानी में बेहतरीन शाखों को तोड़ डाला, वो लजीज तक बढ़ी, वो जंगल में भी फैली, उसकी शाखें दूर तक फैल गईं, वो दरिया पार गुजरी, पस में यईज के आहो नाला से सिम्बा की ताक के लिए जारी करूंगा, आए हसबून, आए अलियाला, मैं तुझे अपने आंसुओं से तर्क कर दूंगा, क्योंकि तेरे अयाम गर्मी के मेवों और गले की फसल की गोगाई जंग ने आ लिया और शादमानी छीन ली गई और हरे भरे खेतों की खुशी जाती रही और ताकिस्तानों में गाना और ललकारना बंद हो जाएगा। पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल न करेंगे। मैंने अंगूर की फसल की के गौगा को मौकूफ कर दिया है, इसलिए मेरा अंदरून मुआब पर और मेरा दिल कीर हारस पर बरबद की मानंद फगान खेज है। और यूं होगा कि जब मुआब हाजिर हो और ऊंचे मकाम पर अपने आप को थकाए, बल्कि अपने माबद में जाकर दुआ करे, तो उसे कुछ फायदा न होगा। ये वो कलाम है जो खुदावंद ने मुआब के हक में जमाना माजी में फरमाया था, पर अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तीन बरस के अंदर जो मजदूरों के बरसों की मानद हों, मुआब की शिकस्त उसके तमाम लश्करों समेत हकीर हो जाएगी और बहुत थोड़े बाकी बचेंगे और वो किसी हिसाब में न होंगे।